नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती को लेकर एक कोर्ट केस हुआ है। इस कोर्ट केस का असली मामला क्या है, क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियों के ऊपर एक कोर्ट केस हुआ है या असली जो मामला है, असली मसला है, वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। क्या नई भर्ती होंगी या नहीं, यानी कि कई साथियों को सस्पेंस है और जैसे ही इस कोर्ट केस की न्यूज आई तो कईयों के जो डाउट आ रहे हैं, मैसेज या कॉल आए हैं, उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए साथियों, एक तो असली मुद्दा आपको बता दें, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो भर्तियां हुई है अब तक, उन भर्तियों के ऊपर ये कोर्ट केस नहीं हुआ है। फिर आप सोच रहे होंगे, फिर ये कोर्ट केस हुआ किस भर्ती के ऊपर है? तो आपने एक तो ये जजमेंट देखी होगी, ये देखिए ऑर्डर जो अनुराग गोयल जी के द्वारा ये केस किया गया है, जो पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट है, और इसमें एक ये देखिए 2 अप्रैल को ये रजिस्टर हुआ है केस और 12 जुलाई इसकी अगली सुनवाई की तारीख है। लेकिन ये केस हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियों के ऊपर नहीं हुआ है और ना ही वो भर्तियां जो पहले से वहां कोई साथी लगे हुए उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला, ना ही हरियाणा कौशल रोजगार की नई भर्तियां होने वाली है उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला। अब कई साथी कहेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियां गलत है, हम भी मानते हैं गलत है, लेकिन जो बात है, जो आपका डाउट चल रहा है, जो साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लगे हुए हैं उनके मन में जो डाउट आ रहा है, उनकी परेशानियों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं, देखते ही आपका लगभग मामला साथियों इसमें आपका क्लियर भी हो जाएगा कि किस कारण से ये जो पेच है ये फंसा हुआ है। ये देख लीजिए, H11 में शामिल करने के विरोध में हाई कोर्ट पहुंचे शिक्षक व लैब सहायक, यानी कि जो कंप्यूटर लैब सहायक थे या फिर शिक्षा विभाग की ओर से कंप्यूटर शिक्षक, जो कंप्यूटर के टीचर और कंप्यूटर की लैब सहायक जो कैंडिडेट थे, 4200 के लगभग ये लगे हुए थे, काफी साल से ये कार्यरत है, इनको अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत किया जा रहा है। इसीलिए इन्होंने ये विरोध किया है कि इनका अनुबंध का 1 साल बढ़ाया गया है। अब 31 मार्च 2025 तक 2000 कंप्यूटर शिक्षक हैं और 2200 लैब सहायक हैं, ये कार्यरत रह सकते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा डाउट ये है कि इनको अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम की के तहत ले जाना का प्लान किया जा रहा है। देख सकते हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अधीन करने के प्रस्ताव का विरोध जताया है। ऐसे में कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट में याचिका में कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायकों ने विरोध जताते हुए तर्क दिया है कि H11 के जरिए भर्ती नियमों के विरुद्ध है, यानी कि H11 के जो भर्ती है वो नियमों के विरुद्ध है। और जबकि 30 जून, यानी कि वो खुद की भर्ती की बात कर रहे हैं साथियों, की हमारी भर्ती यानी कि हमें H11 के तहत जो किया जा रहा है वो नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि 30 जून 2022 का जो अनुबंध था, नियम P25, इसमें कर्मचारियों को स्थानांतरित यानी कि पोर्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है और आप हमें अब H11 में पोर्ट कर रहे हैं। तो ये केस हुआ है, ना कि कोई इसमें H11 की भर्तियों के ऊपर केस किया गया है। ये देख सकते हैं 22 जुलाई तक जवाब मांगा गया है और सरकार से यो नोटिस जारी कर ये जवाब मांगा गया है। अब सरकार क्या जवाब देती है, क्या इसके ऊपर प्रतिक्रिया आएंगी, वो आपको पता लग जाएगा। देख सकते हैं 22/7/2024 नोटिस ऑफ मोशन। तो साथियों, लगभग डाउट आपका क्लियर भी हो गया होगा, ना तो नई भर्तियों के ऊपर या ना पहले से कोई H11 के तहत लगा हुआ है उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला है। जैसे काफी डिपार्टमेंटों को पहले भी H11 के तहत किया गया है और अब इनको भी किया जा रहा था, इसलिए इन्होंने विरोध किया है कि हम H11 के तहत नहीं जाना चाहते, जैसे पहले कार्यरत हैं इसी प्रकार से रहना चाहते हैं। ये केस का मैटर था, सुबह से ही आज मैसेज और कॉल आ रहे थे। तो ऐसे जो भी भर्तियों से रिलेटेड आपका डाउट होगा वो डाउट क्लियर किया जाएगा। भर्तियों से रिलेटेड जानकारी, विश्वसनीय जानकारी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसलिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।